नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। इस समय मतगणना के रुझान इस समय आ रहे हैं। कांग्रेस जो है पंजाब के अंदर आगे चल रही है, वहीं हरियाणा में 9 की 9 सीटों पर जो है इस समय बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। हरियाणा की बात कर रहे हैं हम लोग। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ 4 सीटें हैं और 4 सीटों पर बीजेपी बढ़त पर है, काफ़ी आगे, बहुत आगे चल रही है। एक जगह उम्मीदवार तो 1 लाख वोटों से भी आगे चल रहे हैं। हिसार में बीजेपी के विजेंद्र सिंह 59,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सिरसा से सुनीता दुग्गल 31,736 वोटों से आगे हैं। वहीं फरीदाबाद से कृष्ण पाल गुज्जर 36,149 वोटों से और गुड़गांव से राविंद्र जी 56,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुरुक्षेत्र से नायाब सिंह सैनी 92,000 वोटों से आगे हैं। हिसार से बीजेपी के उम्मीदवार जो है इस समय वो 60,000 के लगभग आगे चल रहे हैं। दूषण चौटाला के लिए सीट पक्की मानी जा रही थी, लेकिन दूषण चौटाला कहीं पीछे रह गए हैं। जी हां, हरियाणा में 9 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं और पूरी जोर से बढ़त बनाए हुए हैं। हिसार में बीजेपी के विजेंद्र सिंह वो सबसे आगे चल रहे हैं और सिरसा से सुनीता दुग्गल काफ़ी वोटों से आगे हैं। फरीदाबाद से गुजर भी आगे हैं और इसके अलावा गुड़गांव से रावजी इंद्रजीत भी आगे हैं। कुरुक्षेत्र से नायाब सिंह सैनी काफ़ी आगे निकलते नज़र आ रहे हैं। हालांकि नायाब सिंह सैनी का काफ़ी विरोध भी हुआ था, उसके बावजूद ये बढ़त बनाए हुए हैं। और सिरसा से सुनीता दुग्गल 31,700 लगभग वोटों से आगे हैं। फरीदाबाद से कृष्ण पाल गुज्जर 36,000 से अधिक हैं, उससे आगे चल रहे हैं। कुरुक्षेत्र से 92,000 वोटों से इस समय आगे हो गए हैं नायाब सिंह सैनी। टोटल सीटों पर 341 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी और कांग्रेस 90 सीटों पर आ चुकी है और अन्य 111 सीटें लेकर के आगे बढ़े हैं। अगर इनका गठबंधन होता है तो दूसरा विपक्षी दल बड़ा अन्य होता है। कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रही है, लीडरशिप के अंदर पीछे रही है और राहुल गांधी की लीडरशिप में 90 सीटों पर जो है इस समय वो चल रही है, जो वास्तव में कांग्रेस के लिए, क्योंकि एक बड़ी नेशनल पार्टी है और कांग्रेस के लिए ये बड़ा चिंता का विषय है। जैसा कि पहले मीडिया के अंदर ये आंकड़े दिखाए जा रहे थे, बिल्कुल वैसे ही सामने आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी जिस तरह से बार बार रुझानों के बारे में, पोलिंग के बारे में बताई जा रही थी, वही सीटें आगे आ रही हैं और लगभग उसी तरह से आंकड़े जो है बीजेपी के पक्ष में आगे दिखाई दे रहे हैं। मीडिया में जो चर्चाएँ थी वो बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं। संगरूर सीट से पंजाब में आम आदमी पार्टी के भगवंत मान आगे चल रहे हैं इस समय, लेकिन पंजाब में लगभग कांग्रेस की जो है बढ़त है सभी सीटों पर। उत्तराखंड में आपको बता दें कि हरिद्वार में आगे चल रहे हैं रमेश पोखरियार। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से आगे चल रहे हैं वीके सिंह, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पंजाब में इस समय कांग्रेस 8 सीटों पर आगे है और एनडीए की 4 सीटें आ चुकी हैं जिनमें वो बढ़त बनाए हुए हैं। हरियाणा में अब फिर से आपको बता दें कि 9 सीटों के ऊपर, एक बार 8 सीटें हो गई थी, लेकिन 9 सीटों पर जो है बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं, कांग्रेस को 1 सीट पर बढ़त है। पंजाब में हरसिमरत कौर आगे चल रही हैं।